नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। जैसा कि चल रहा है कि देश में कई जगहों पर कई सारे मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा निकल कर आ रहा है जेएनयू पर हुए बदलाव के कारण है। जेएनयू पर निकल कर एक और नई बात सामने आई है कि परीक्षा का बहिष्कार करने वाले छात्रों को अगले सेमेस्टर में दाखिला नहीं मिलेगा। प्रशासन का कहना है कि जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं वह दूसरे बच्चों को रोक रहे हैं परीक्षा में भाग ना लें, जिसके तहत विश्वविद्यालय ने कई तरह के रास्ते निकाले हैं ताकि वह छात्र घर पर बैठे ही अपनी परीक्षा और शिक्षाएँ दे सकें, जिसके अलावा अन्य छात्रों को भी उसमें शामिल करने के लिए कहा गया है। साथ ही उनको रोकने जो प्रदर्शन में भागीदारी हैं उन्हें ये चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने उन छात्रों को परीक्षा में आने से या बैठने से रोका तो उनका अगले साल का सेमेस्टर में दाखिला बंद कर दिया जाएगा, साथ ही उनकी परीक्षा को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय उन छात्रों का पूरा पूरा साथ दे रहा है जो सेमेस्टर में बैठ के एग्जाम्स देना चाहते हैं, जिसके परीक्षा देने का पूरा पूरा इंतजाम कराया जाएगा। साथ ही प्रशासन का कहना ये है कि बीबी के कानून के क्लॉज 4-5 के तहत बीबी के बीसी ने जेएनयू के छात्रों के लिए वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध कराए हैं, जिसके तहत छात्रों को सबसे ज्यादा आसानी होगी एग्जाम्स को देने में और वहां तक पहुंचने में। साथ ही जो उन्हें रोक रहे हैं उनके लिए भी उन्हें रोकना मुश्किल साबित होगा। जेएनयू विश्वविद्यालय का कहना यह है कि जिन छात्रों को एग्जाम देना है वह उनके लिए जेएनयू के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।